नमस्कार, राम राम। आप सभी का पाल्मीसी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्या आप विश्व विजेता बनने वाले हैं। कहते ना, छोटी मोटी चीजें नहीं है, बड़ा मान सम्मान पाना और जिंदगी में तरक्की करना, ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। क्या ऐसा कुछ है आपके भाग्य में, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले ये हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम को बताती है। कभी क्या कुछ घटना होगी वो जीवन रेखा के ऊपर ही हमें उसका आभास होता है। और इसी प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा निम्न पर्वत निम्न मंगल से चलकर ऊर्ध्व मंगल की तरफ जाने वाली रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, जिसको कि विचारों की रेखा कहते हैं, जिसको कि हम बुद्धि की रेखा कहते हैं। बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं। अगर आपका दिमाग है, आपकी बुद्धि है, जीवन में हर उस सफलता को प्राप्त करेंगे। और इसी प्रकार से बुद्ध के पर्वत से चलकर गुरु के पर्वत पे जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं। कहते ना, आपके अंदर दिल भी तो होना चाहिए। किसी काम को करने के लिए आपको प्यार की भी जरूरत पड़ती है। शिखर तभी आपको मिलता है, सफलता तभी आपको मिलता है, आपके अंदर वो मान सम्मान भी होना चाहिए, वो प्रेम की रेखा, बात करने की कला होनी चाहिए। कहते ना, ऐसे लोग एक मीठे स्वभाव वाले होते हैं, एक सच्चे प्यार करने वाले होते हैं। तो हमारी मस्तिष्क रेखा बताती है। और इसी प्रकार से जब भी हम जीवन में तरक्की करते हैं, जब भी जीवन में हम एक ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, कहते ना विश्व विख्यात, और जीवन में डंके बजते हैं, एक सफल भाग रेखा होना अति आवश्यक है। ये भाग रेखा, भाग रेखा कहीं से भी चल के आए, शनि के क्षेत्र पर पहुंचे, उसको हम भाग रेखा कहते हैं। अगर आपकी भाग रेखा कटी फटी है, टूटी है, तो वो फल आपको नहीं मिलने वाला है, आपको डंका नहीं बजाने देगा, आपके काम की प्रोग्रेस को रोक देगा। लेकिन अगर सफल भाग रेखा है और यहां पर आपको आकर भाग रेखा के ऊपर, इस पर्वत के ऊपर यहां पे त्रिशूल का साइन बन जाता है, या आपका बी का साइन बन जाता है, बी का भी साइन बन जाए, ये एक आपका ये त्रिशूल का साइन बन गया, या तो आपके हाथ में ये बी का साइन बन जाए, बी का साइन ये बी का साइन बनता है, विष्णु का सिंगल। अगर ये चीजें बनती है तो जीवन में आपको सफलता का एक द्वार मिल जाता है। कहते ना, हमें अच्छे आचरण वाला कोई मिल जाता है जो हमें एक तरक्की की तरफ लेके जाता है। या इसी शनि के क्षेत्र पे ये छोटी रेखाएं, ये छोटी रेखा शनि के ही पर्वत पे होनी चाहिए, कहीं से भी चल के आए, भाग्य की सपोर्ट करती है, भाग्य में निरंतर प्रयास की तरफ हमें दिखाती है। अगर ये रेखाएं हैं आपके हाथ में, उसके साथ अब हम देखेंगे कि सफलता मिलती है तो हमारी बोली, हमारी वाणी कैसी है, वो हमारी बुद्ध रेखा बताती है। और बुद्ध की रेखा, मैं हर वीडियो में यही बताता हूं कि ये बुद्ध की रेखा, ये बुद्ध का पर्वत है, इसको हम बुद्ध का पर्वत बोलते हैं, बुद्ध का पर्वत हमारे बिजनेस सेंस, हमारे बोलने की कला, हमारे व्यापार करने की कला, हमारे समझने की कला, हर चीज को बताती है। हम किसी तरह का कोई भी निर्णय लेते हैं, हमारा दिमाग बताता है। और ये बुद्ध की रेखा, ये हमारे सन के पहले पोर से बड़ी होनी चाहिए।
अगर ये पहले पोर से बड़ी है तो आप एक मास्टरी करेंगे, किसी भी क्षेत्र में हो, ऐसा नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, किसी के पास बैठ सकते हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये मास्टरी बना देती है। और इसी के साथ आपको फेमस कैसे बनाएगी, जब भी कहते हैं ना हम किसी चीज को करते हैं तो हमारा दिमाग काम करते हैं और दिमाग के साथ हमें यश और मान सम्मान प्राप्त होगा, तभी हम विश्व विख्यात होंगे, तभी हम देश में एक अच्छे ओहदे की बात करेंगे। उसके लिए हमारी ये मस्तिष्क रेखा बताएगी हमारा विचार कैसा है, हमारी सोच कैसे है और हम किस स्टेटस पे पहुंचेंगे। अगर कोई भी एक शाखा, ये हमारी सूर्य की फिंगर है, सूर्य की फिंगर बड़ी होनी चाहिए और सूर्य का पर्वत समान रूप से उठा हो और इसके ऊपर कोई बुरे चिन्ह ना हो। हमेशा कहते हैं ना कि अगर किसी भी पर्वत के ऊपर कोई दीप बन जाता है, उसमें एक ग्रहण लग जाता है, उस जिंदगी में एक धब्बा बन जाता है, वो जिंदगी को तरक्की की तरफ नहीं लेके जाने देता है, उसको नीचे की तरफ गिरा देता है। इसी प्रकार से सूर्य की रेखा प्रबल हो या सूर्य का पर्वत प्रबल हो और यहां से एक मस्तिष्क रेखा आके इस सूर्य के पर्वत पे मिल जाए, ऐसे लोगों को देश विदेश और अपने दिमाग से ख्याति करते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं, जीवन में अनेक तरक्कियां पाते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं। लेकिन ये रेखा जब मस्तिष्क रेखा के साथ इसका कंबिनेशन बनेगा तभी ये रेखा आपको इतने बड़े स्टारक बनाएगी। अगर ये रेखा और कहीं से आती है, जब तक उसकी मस्तिष्क रेखा से नहीं आएगा, जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको एक फेमस नहीं बना पाएगा। और ये रेखा और इसी के साथ ये चंद्रमा का क्षेत्र है, इसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं, चंद्रमा का पर्वत। यहां पर एक स्टार हो, ऐसे लोग अपने जीवन में सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से अवार्ड मिलता है और जीवन में ऊंचाइयों पर जाते हैं। जैसे कि यहां पे ये सूर्य की रेखा ये आपके स्टेटस को बताया, ये आपके मान सम्मान को दिला देती है। ऐसे लोग जीवन में काफी सक्सेस होते हैं क्योंकि चंद्रमा का क्षेत्र है। चंद्रमा जैसे ना मन होता है, मन कई बार क्या होता है, खुशी से उछल जाता है और वो जिंदगी में हर चीज वो पाने की कोशिश करता है और यहां पे स्टार उसकी पावर को बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।